तो मित्रों आ चुके हैं कमाल का वीडियो एडिटिंग में, जो कि इस तरह का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो आप भी बनाना चाहते थे वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो वॉच कर लीजिए। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आ चुका तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन करेंगे। तो आप में नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, ऊपर पे टॉप पे पिन करके रखा है, जाके वहाँ से डाउनलोडिंग ईजी तरीके से कर सकते हो। तो फ्रेंड उसके बाद आपको ओपन करना, उसके बाद यहाँ पे 4:5 में बनाएंगे, 9:2 भूल जाइए अभी। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, प्लस पे टाइप कर लेना है, उसके बाद जो है आपको सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो फिर सॉन्ग लगाने के लिए डॉट पे क्लिक कर लेना ऊपर कोने साइड, उसके बाद स्टेक ऑडियो कर लेना, वीडियो को डिलीट करना। वीडियो डिलीट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा प्लस पे टाइप कर लेना, उसके बाद एक जो है इस तरह का शेप मिलेगा, स्क्रॉल डाउन करना है, इस वाले शेप को सिलेक्ट कर लेना जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाला इसको सेलेक्ट कर लेना है। एडिट ग्रुप पे चल जाना, सेप होगा तो उस पर टैप कर लेना। साइज आपको कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसके बाद हम हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, 180 है उसको भी हल्का इतना पे रखते हैं, हाँ इतना पे सही है। उसके बाद रेडियस को इतना पे, मतलब इतना पे रख लेते हैं, रेडियस को इतना पे रख लिए, हल्का सा कर्व टाइप में हो गया। उसके बाद उसके चल जाना परफॉर्मेंस पे, चल जाना परफॉर्मेंस साइज, तो इस पर और बड़ा कर दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। उसके बाद स्पेसिंग पे आ जाना है, स्पेसिंग को इतना पे कर लेना, तो इतना पे जितना सेटिंग है ये कर लीजिएगा, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से प्लस सेकंड में जाएंगे, उसके बाद जो है आपको वही वाला आएगा, शेप को ऐड कर लेना है। शेप को ऐड करने के बाद जो है एडिट शेप पे चल जाना है, उसके बाद साइज पे चल जाना है। साइज पे जाने के बाद इसको ऐसे करके कर लेना है कुछ इस तरह से, मतलब माइनस के आसपास लिख जाना है। तो फिलहाल के लिए मेरा माइनस कितना लिख जाएंगे, 508 लग जाते हैं, आप में जिस मुताबिक होगा तो उस तरीके से माइनस कर लेना है, बस इस लेयर को नीचे कर लेना है। तो नीचे करने का इस तरह से हो गया। उसके बाद वो करना क्या है, उसके बाद आपको डॉट पे सेटिंग पे चल जाना, उसके बाद यहाँ ब्लैक कलर होगा जिसको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट हो गया। उसके इस पर टैप कर लेना है, जो कि आपको सेव जो सेकेंड एड किए थे उस पर टैप करके परफॉर्मेंस जाना है, और उसको और इतना पे कर लेना है, कर लीजिएगा। उसके बाद हल्का सा मूवन ट्रांसफर में जाकर हल्का सा जूम कर देना, इतना पे कर लेना, कुछ हल्का सा गैप होना चाहिए बगली। उसके बाद आपको बॉर्डर एंड शैडो में जाना, स्टोक को इनेबल करना, शैडो को इनेबल करना है, तो इस तरह से शैडो इनेबल हो गया। उसके बाद सेकेंड में भी इस ऊपर वाला भी पार्ट में आपको शैडो को इनेबल कर लेना है, ये हो गया। उसके बाद फिर से प्लस पे जाना है, उसके बाद वही वाला शेप ऐड कर लेना, शेप को सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे एडिट शेप पे चल जाना, उसको साइज पे जाना, साइज आपको छोटा कर लेना, इतना पे छोटा कर लेना, और हल्का सा लंबा कर लेते हैं इतना पे, साइज हल्का सा छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसे इतना पे रखते हैं प्रॉपरली। उसके बाद रेडियस को इतना पे कर लेते हैं, और उसके बाद जो है परफॉर्मेंस साइज पे चल जाना है, और इसको इतना पे रख लेना, 17 रख लेते हैं। उसके बाद स्पेसिंग पे चल जाना, स्पेसिंग को आपको इस तरह से कर लेना, तो हो गया 37 का आसपास रख लेते हैं। उसी के बाद में उसके बाद नीचे इसको मूवमेंट ट्रांसफर में जाके नीचे ऐसे करके रख लेना, तो इस तरह से रख लीजिएगा। उसके बाद इसको जो है कलर पे जाइएगा, उसके बाद मतलब आपका ये कलर रख लेना, तो जो कि आपको रेड है, मतलब रेड कलर को सेलेक्ट कर लेना, उसको इसी को डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करने का उसके बाद ऊपर में मूवमेंट डुप्लीकेट करने का मूवमेंट ट्रांसफर में जाके ऊपर भी समाना पर रख लेना, तो रख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला ऊपर जो है ये वाला है, इसको ऐसे ऊपर कर लेना, तो ये हो गया। उसके बाद आपको पीक लगाएंगे, उसके बाद आपको एन तक चल जाना, सारे पीक मतलब जो है लेयर को इस तरह से एन तक कर लेना है, तो एन तक कर लीजिएगा इस तरह से, हो गया। हो जाने के बाद आपको सॉन्ग को सुन लेना है, जहाँ जहाँ आपका बीट है तो उस अनुसार से आपको बीट मार देना है, तो उस अनुसार से हम बीट जल्दी से फास्ट मार देते हैं, ताज़ा से फ्रेश से, तो मार दिए इस तरह से, मार दीजिएगा ऑलरेडी तो मार दिए हैं। उसके बाद इस पर टैप कर लेना है, उसके बाद जो है आपको इस पर टैप कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे एक चल जाना है थर्ड आइकन पे, यहाँ पे आपको वीडियो का सिंबल टाइप का होगा, उसके बाद सेलेक्ट मीडिया पर जाना, उसको वीडियो को फोटो सेलेक्ट कर लेना, ये वाला फोटो नहीं होगा आपके पास तो इसमें आपको सर्च कर लेना है कोरियन, तो रशियन सर्च कर लेना, रशियन कपल्स सेलेक्ट मतलब सर्च कर लेना, पिंटरेस्ट से हम डाउनलोडिंग किया है तो अभी कर लेना। उसके बाद इसको स्टॉक इनेबल इसका कर लीजिए, इस तरह से हो गया। उसके बाद जहाँ से आपका ये पीक है इस पर टैप कर लेना, जहाँ बीट है कट कर लीजिए। उसका फिर अगला बीट कहाँ पे है, यहाँ पे है,
इस पर टैप करें, कट कर लेंगे। तो अब फिर अगला बीट यहाँ पे है, इसको भी कट कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस जितना भी बीट आपका दिए होंगे सॉन्ग के मुताबिक, अगर लिरिक्स चेंज होगा तो उस अनुसार से दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना पे देते हैं, उसको बीट इस पर टैप कर लेते हैं, उसको फिर से फिल कलर पे जाते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर आइकन पर जो है नीचे वाला टैप करना है, पिक को सेलेक्ट कर लेना है। तो पिक फिर मेरे का सेकेंड कोरियन इस ये है, ये गर्ल्स ये है, इसको सेलेक्ट कर लिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, तो इसी तरह से आपको सारे पिक को कट के बाय कट करके सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है पिक सब पे। तो इंपोर्ट हो जाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना ये वाला लेयर जो कि आपको ये निकल टाइप का बनाए थे, उसके बाद जो पिक का जितना भी लेयर होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। तो हम फिलहाल के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ग्रुप वन पे टैप कर लेना जो कि ये वाला है, इस पे टैप कर लेना। उसके बाद इसमें एक इफेक्ट लगाएंगे और ये आपको दिख रहा होगा ऊपर आ गया, ऊपर इसे आने गया क्योंकि ये लेयर नीचा चला गया इसलिए ऊपर दिख रहा है, इसलिए ग्रुप जो बनाएंगे उसको ऊपर कर लेना है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा। हो जाने के बाद इसमें भी आपको स्ट्रोक नहीं दिए थे जो कि आपका दो छोटा वाला ये वाला है, इसमें स्ट्रोक नहीं दिए थे, स्ट्रोक को हम मतलब शेडो को इनेबल कर लेते हैं, हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड में भी उसी तरह से स्ट्रोक इनेबल, तो स्ट्रोक इनेबल हो गया। उसके बाद इस पे ग्रुप एडिट ग्रुप पे चल जाना है, उसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप बनाए थे उसका जो कलर है हम ये रेड नहीं देंगे, फिलहाल के लिए ये वाला कलर देंगे। तो ये कलर सेलेक्ट कर लिया, उसका बेक आ जाना है। बेक आने के बाद जो आपको इस पे इफेक्ट लगाना है, तो अगर पीक पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं जो कि आपको फीड इन आउट तरीका से आता है, तो उसके लिए इसका प्रोजेक्ट का XML का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हो, जो कि वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा एडिटर का। तो फिर मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है तो जिसमें हम इफेक्ट लगाए थे, तो अगर प्रोजेक्ट का जो XML चाहिए तो आपको कमेंट कर देना है, तो आपको XML मिल जाएगा। तो इसके बाद जगह जाते हैं ग्रुप पे, ग्रुप पे जाने के इस वाले पिक पे टैप कर लेते हैं, उसके बाद इसका इफेक्ट पे जाते हैं, कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सीधा बेक आ जाते हैं। बेक आ जाने के बाद जो आपको जो बेक करना है, तो उसके बाद वही प्रोजेक्ट में चल जाना है, और जो कि पिक पे जो भी इफेक्ट लगाए होंगे ग्रुप पे जाना है, ग्रुप वन पे, उसके बाद पिक पे जो इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो पेस्ट कर देना है। तो ऐसे फीड होके आएगा जो कि बहुत यूनिक तरीका से लग रहा है। उसके बाद अब करना क्या है, उसके बाद देखिए हम जो है इसमें एक गलती कर दिए, इसमें एक और सा थोड़ा सा शेप हार्ड वाला जो है वो ऐड कर देते हैं। हार्ड वाला ये है, इसको ऐड करते हैं, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म जाकर छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद जो है इसको हम जहाँ पे आपका पीक है वहाँ उसके नीचे मतलब थोड़ा सा रोटेट करके रख लेते हैं। तो फिर इस तरह से हार्ड वाला डुप्लीकेट फिर से सेकंड को लगाने के लिए कर लेते हैं डुप्लीकेट। उसके बाद फिर से जाना मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में, रोटेट पे जाना है, और उसके बाद इसको ऐसे करके कर लेना है। तो ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद इसको ऊपर पर आ जाता है। आ जाने के बाद जो है ये रोटेट सही से नहीं हुआ, तो ये रोटेट हम 90 कर लेते हैं, 0 हो गया। और उसके बाद जो है इसको ऐसे तरीका से यहाँ पे मतलब यार जल्दी ले कितना कर रहा है, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। तो लगाने के बाद ये पिक को आपको लेंथ को ऊपर कर लेना है, तो ऊपर कर लेने के बाद जो आपको जहाँ तक आपका लिरिक्स है मतलब सॉन्ग है वहाँ तक आपको इसको एंड कर मतलब तक ले आना है। तो आप जैसे ले आते हैं इस पर टैप करके ले आते हैं, दोनों को ले आ दीजिएगा, इसी प्रोसेस आपको ले आना। तो ले आने के बाद जो आपको करना क्या है, प्लस पे टैप कर लेना, उसके बाद यहाँ पे एटैक्स चल जाना, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी जैसे iOS फ़ोन चूज कर लेना, उसके बाद इमोजी टाइप कर लेना। फिलहाल के लिए इमोजी टाइप कर लेते हैं हम, कोई सा भी जो चलेगा अच्छी तरीके से, मतलब ये वाला सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है इसको कलर है डिक्रीज कर लेते हैं, कलर डिक्रीज करने के बाद आपको जो है इसको बीचों बीच कर लेना, बीचों बीच करने के बाद डन करते हैं। डन करने के बाद इसका इमोजी है इस मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, उसके बाद जो है इमोजी का जो है रोटेट करके ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद जो है इस इमोजी को हम यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि मोबाइल लेग हो रहा है। तो इमोजी यहाँ पे सेट करने के बाद इसका कलर है येलो देते हैं, तो येलो देते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे चल जाना बोर्ड सेटों में, स्ट्रोक को इनेबल इसमें भी कर लेना। कर लेने के बाद उसको आपको इमोजी का आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे पेस्ट कर लेना, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड में भी यहाँ पे मतलब कोने साइड रख लेना, तो ऐसे करके रख लेना जो कि आपको इस तरह से रख लेना, तो रख लीजिएगा। उसके बाद फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करने के बाद आपको इसको इस पे टैप कर लेना, उसके बाद चल जाना मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में, उसके बाद रूटेड पे जाना, इसको 0 कर लेना है। 0 करने के बाद इस वाले कोन यहाँ पे ऊपर इस तरह से लगा लेना है, तो रख लीजिएगा। उसी हम मेरा लेग हो रहा है, तो उसके बाद हमको आपको बता दिए इसी तरह से रख लेना है। तो रख लेने के बाद जो आपको जो इस तरह से देखिए वीडियो बनेगा जो कि इस तरह से बनेगा। उसके बाद एक इफेक्ट और है,
जो कि ग्रुप वन पे चलाना, चलाने के बाद जो है इफेक्ट पे जाना, एडिट इफेक्ट पे जाना, उसके बाद यहाँ पे ऑप्सिलेट है तो इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आपको मिलेगा, ऑप्सिलेट को सेलेक्ट कर लेना, ऑप्सिलेट को सेलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे चल जाना 90 डिग्री आपको कर लेना, 45 होगा तो 90 डिग्री आपको कर लेना, तो कर लेते हैं हम। तो 90 डिग्री हो जाने के बाद आपको चल जाना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आपको 0.50 कर लेना, तो 50 रख लेते हैं। उसके बाद जो है उसको मैग्नीट्यूड आना 10 कर लेना, तो 10 कर लीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको देखिए ऐसे मतलब हल्का सा झूलते हुए आ जाएगा, मतलब हल्का सा रोटेट होते हुए मतलब ऊपर नीचा करते हुए आ जाएगा लिरिक्स। इस सारे जितना भी लेयर है सबको एंड तक पोजिशन तक कर लेना, तो सारे काम कर लेते हैं जितना भी लिरिक्स है तो एंथ पोजीशन तक कर लेते हैं। ये हो गया आपका वीडियो बनके रेडी होगा। चैनल का नाम देना चाहते हो यहाँ पे आपको लिख सकते हो, उसके बाद शेयर करके एक्सपोर्ट कर लेना। तो फ्रेंड आज का वीडियो में कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ चुका तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कमाल का वीडियो में।